सबसे पहले जो आगा ने बात की है कि यहूदी हो या नसरानी हो या साबईन हो या कोई और हो, अगर वो अल्लाह के आखिरी नबी के आने के बाद कहे कि मैं अल्लाह पे ईमान लाता हूँ, क़यामत पे ईमान लाता हूँ, अमल साले भी करता हूँ, रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं लाता, और रसूलुल्लाह पर ईमान जुड़ा हुआ कुरान पर ईमान से, ये मैं नहीं लाता, इस बात को समझ ले उसका क्या स्टेटस है। दो ग्रोहों में तकसीम होंगे, और ये जो मैं बात कर रहा हूं इसको आप अपनी जो अल्लाह ताला ने हर इंसान को अकल दी है और उसके अंदर एक इंसाफ वाली अदल वाली मशीन भी लगाई हुई है, उसको आप ऑन करके बैठे तो आप खुद भी इसको सही या गलत मुझे जवाब दीजिएगा, ताई दिया इनकार कीजिएगा। ये जो दोनों बातें करूं, फर्ज करें कि एक ऐसा शख्स है कि जो अपने इस्लाम से पहले यानी रसूलुल्लाह की शरीयत से पहले जो उसका दीन था उस पर पूरी ईमानदारी से बगैर किसी तअस्सुब के, बगैर किसी चीटिंग के, बेईमानी के, ईमानदारी से जैसे एक अच्छा नेक पाकीज़ा इंसान होता है वो अमल कर रहा है। रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं लाया लेकिन उस ईमान न लाने की वजह कोई ज़िद, कोई हठधर्मी, कोई सुस्ती नहीं है, बल्कि हम फ़र्ज़ ये कर रहे हैं कि बात उस पर क्लियर नहीं हुई लेकिन मिजाज ऐसा है कि जब उसे हक पता चले तो मान लेता है। एक ये तबका है, इनका केस फर्क है, डिफरेंट है दूसरे तबके से। वो कौन सा है कि जो जानते बूझते हुए किसी तासुब की वजह से, किसी जिद की वजह से इनकार करना चाह रहे हैं, बहाने बना रहे हैं। ये दो किस्म के लोग होते हैं। जो जानबूझकर नहीं मानता उसका मामला और है, और जिसको समझ न आई हो लेकिन जो समझ में आई हो बात उसको मानता हो इसका मामला और है। ये सिर्फ बैनल अदियान मसला नहीं है बल्कि बैनल मसालिक भी यही मसला है। अब थोड़ी सी बात ये सख्त है लेकिन तवज्जो करें। यही मसला आ जाएगा किस में कि अगर कोई मुसलमान ईमानदारी से अल्लाह को मानता है, रसूलुल्लाह को मानता है, कुरान को मानता है, वाजिबात पे अमल करता है, मुहर्रमात से रुकता है, हराम नहीं खाता, रिज़्क़ के हलाल जैसे होना चाहिए, एक अच्छा पाकीज़ा इंसान है, लेकिन मसलन उसको वो मौला अली से भी मोहब्बत करता है, अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत करता है, लेकिन उसको वो बात समझ नहीं आई जो मुझे और आपको समझ आई हुई है, और पता नहीं सही आई भी हुई है कि नहीं आई हुई, क्योंकि विलायत का नारा तो बहुत मारते हैं लेकिन जो विलायत का मफहूम है वो समझते हैं सिर्फ नारा मारना ही है, बात नहीं मानते। ठीक है, उस बात को साइड पे रख दे। अगर उस पर क्लियर नहीं हुआ तो उसका भी केस जुड़ा हुआ है इसी केस से, उसका केस भी जुड़ा हुआ है इसी केस से। अब जरा आप तवज्जो कीजिए, ये हमारा टाइम जो है मतलब किसी के लिए बैठना, मैं अर्ज किया करता हूं कि कंपलसरी नहीं है। ये आयात कुरान की आपके सामने मैं पढ़ना चाहूंगा, देखिए सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सूरह आले इमरान आयत नंबर 113, 114 और 115, ये जरा आप याद कर लें, 113, 114 और 115। इससे पहले जो आयात हैं उसमें अल्लाह ताला शिद्दत के साथ बनी इसराइल को बुरा भला कह रहा है, ठीक है, कि इन पर जिल्लत दे मारी गई, इन पर नादारी दे मारी गई, और ये जहां भी जाए इनके लिए
रुसवाई रुसवाई है और अल्लाह के गज़ब की तरफ पलटे, और ये इसलिए कि ये अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं और अंबिया को नाहक कत्ल करते हैं, ये इसलिए कि ये नाफरमान हैं और ये हद से तजावुज कर जाते हैं। अब ये सारी डिग्रियां अल्लाह किन को दे रहा है ऊपर वाली आयत में, ये आयत नंबर 112 है जो मैंने पढ़ी। 113 में टोन बिल्कुल चेंज हो जाती है, अल्लाह ताला फरमाता है आयत नंबर 113 सूरह आल इमरान, लैसु सवाअन, तवज्जो कीजिए, ये अहले किताब सारे के सारे एक जैसे नहीं है, अहले किताब सारे के सारे एक जैसे नहीं है। आप तवज्जो कीजिए, आप जिनके पास अगर मोबाइल में निकाल सकते हैं तर्जुमा, ताकि आपको और सेटिस्फेक्शन हो जाए, तर्जुमा निकाल लें, क्योंकि जो जो डंडी लगाई जाती है वो तर्जुमे में मुश्किल होती है, वो तफसीर में लगाई जाती है, ठीक है, कि इससे मुराद ये है तो उससे मुराद वो है, तो मुराद मुराद करके बंदा नामुराद कर देते, तवज्जो करें। इसलिए मैं अर्ज किया करता हूं, जिसने कुरान पढ़ना, सबसे पहले कुरान के टेक्स्ट से अपने आप को मानूस करे कि अल्लाह के अल्फाज का माना क्या है, बाकियों की तरफ बाद में जाए, पहले अल्लाह पर एतमाद करें और खालिस अल्लाह के कलाम का माना समझने की कोशिश करें। कुछ चीजें समझ नहीं आती छोड़ दे, बहुत कुछ समझ आता है, चंद गिनती की आयात का बहाना बना के पूरे कुरान को दूर कर दिया, लोगों को दूर कर दिया कुरान से, चंद गिनती की आयात जो जरा मुश्किल, और बाकी कुरान वाज़े और रोशन है, और भगा दिया लोगों को, ये होता है तो वो होता है और पता नहीं क्या क्या मेकअप कर दिया ऊपर। लैसु सवाअन, ये सब एक जैसे नहीं है। मिन अहलिल किताब उम्मतुन, अहले किताब में से एक गिरोह ऐसा है, क्या फरमा रहा है अल्लाह, किन में से, अहले किताब में से, मुसलमानों में से नहीं, ये मदीना की आयत है। मिन अहलिल किताब उम्मतुन, अहले किताब में से एक गिरोह ऐसा है, कायमतुन, जो अपने दीन पर यानी सही दीन पर कायम उस्तवार। इनकी क्या सिफात है, यतलून आयातिल्लाहि आना अल्लैल वहुम यस्जुदून, ये रातों को अल्लाह की आयात की तिलावत करते हैं, अपनी आयात की, अभी बात आ जाएगी, वरना तो अगर कुरान पर ईमान ला चुके तो रसूलल्लाह पर भी ईमान ला चुके, फिर मिन अहलिल किताब नहीं रहेगा, फिर तो खुद ही हो जाएंगे। आना अल्लैल वहुम यस्जुदून, और वो सजदे करते हैं रातों को, इबादत करने वाले। अब जो रात को उठता है, एक अलामत होती है कि ये बिलाखिर खुदा से डरने वाला है, राज व न्याज करने वाला है। अब यहां पर भी देखें आयत नंबर 114, युमिनून बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, वल यौमिल आखिर, और क्यामत पर ईमान रखते हैं, रसूलुल्लाह पर ईमान का नहीं है जिक्र यहां पर, वयअमुरून बिल मारूफ, अमर बिल मारूफ करते हैं, वयनहौन अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकते हैं, सिफात वही है जो एक सही अल्लाह पर ईमान रखने वाले में, अल्लाह के दीन को मानने वाले में होती है। वयुसारिऊना फिल खैरात, और नेकियों में जल्दी करते हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ जाते हैं। वउलाइका मिनस सालिहीन, और ये लोग सालिहीन में से हैं। आयत नंबर 115, इसका तर्जमा करने से पहले मैं थोड़ी आपको एक नुक्ते की तरफ इशारा कर दूं। अब कोई बंदा ये आयात पढ़ रहा है, हम कहते हैं ना, और इनका तो अमल ही कबूल नहीं है, कहते हैं ना, ये मसलन नहीं मानते, विलायत नहीं मानते, इनके अमल ही कबूल नहीं है, ये अभी मेरे ऊपर पर्चा ना करवा दीजिएगा, सुन ले पल पर। अल्लाह सब का अल्लाह, अल्लाह किसी एक फिरके का अल्लाह नहीं है कि इधर के बेईमानों को भी
बोनस मिल रहा हो और उधर के जो हट धर्म नहीं है लेकिन बात नहीं समझे और जहमत करते हैं और अल्लाह की इताअत करते हैं, उनको चुक के दोजख में फेंक दो। ये फिरकावारियत का दीन है, ये कुरान वाला दीन नहीं है। हर फिरके में ये बीमारी है। सवाल पैदा होता है कुरान पढ़ने वाला कि ये जो अमाल कर रहे हैं, अभी तक ये रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं लाए हालांकि रसूलुल्लाह मदीने में मौजूद हैं, तो फिर ये इनके अमाल कबूल हो रहे हैं? आयत नंबर 115 पढ़िए, वमा यफअलू मिन खैरिन, और जो भी खैर ये अंजाम दे रहे हैं, फलें युकफरू, हरगिज उसका इनकार नहीं किया जाएगा। कि तुम्हारे मुंह पे मार दिए, चले जाओ यहां से। दो कैटेगरीज हैं, एक है जानबूझकर दानिस्ता हक के साथ जिदबाजी करने वाला, चाहे यहूदी जिदबाजी करे रसूलुल्लाह के बारे में कि मैं मूसा को तो मानता हूं, इनको नहीं माना तो कुछ नहीं होगा, और चाहे किसी पे वाजे हो जाए विलायत अमीरुल मोमिनीन और वो किसी भी वजह से कि मेरे नाराज हो जाएंगे या मैं ये नहीं है तो वो नहीं है, हक वाजे हो जाने के बाद ना मानना उसको ये कुफ्र है। ना कि वाजे ना हो और उठा के जहन्नम में फेंक दिया जाए, ये कुरान है। तवज्जो कीजिए, वमा यफअलू मिन खैरिन, और जो भी खैर यानी अच्छा काम ये अंजाम दे रहे हैं, फलें युकफरू, इनका इनकार नहीं किया जाएगा। क्यों? वल्लाहु अलीमुन बिल मुत्तकीन, अल्लाह साहिबान तकवा को अच्छी तरह जानता है। अंदर का हाल कौन जानता है? अल्लाह जानता है, मैं और आप नहीं जानते। वो अंदरू गंदा है, तुम्हें कैसे पता अंदरू गंदा है? वो सिर्फ अलीम उन बिदात सुदूर को पता है अंदरू गंदा है, ये जान बोझ के नहीं बंदा, ये उसको पता। अगर आप इस बात पर, कुरान की इस बात पर तवज्जो करें, और शिया और सुन्नी ब्रेलवी देवबंदी अहले हदीस इस बात पर अगर इसको कुरान से ले लें बगैर डंडियां मारे और चीटिंग किए, जैसी कुरान ने कही है वैसे ले लें, तो फिरका वाराना नफरतों की जड़ कट जाएगी। क्यों? कुरान शिया से कहेगा कि अहले सुन्नत लैसु सवाअन, सारे एक जैसे नहीं है, तू समझ रहा है, उनमें से इन सिफात वाले भी हैं। और सुन्नी जब पढ़ेगा कुरान तो कुरान शियों के बारे में से ये कहेगा, लैसु सवाअन, ये सारे शिया एक जैसे, चूंकि एक दूसरे को गुमराह समझते हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन जो कुरान पढ़ रहा है, कुरान उससे कहेगा, वो जिसको तू बुरा समझ रहा है, पूरे के पूरे मसलक को तू बुरा समझ रहा है, करप्ट बंदे हर जगह पे होते हैं, तुम्हारे अंदर भी हैं, उनके अंदर भी हैं, लेकिन सारे एक जैसे नहीं है। मिन अहलिल किताब उम्मतुन काइमतुन यतलून आयातिल्लाह आना अल्लैल वहुम यस्जुदून युमिनून बिल्लाह वल यौमिल आखिर वयअमुरून बिल मारूफ वयनहून अनिल मुनकर वयुसारिऊन फिल खैरात वउलाइक मिनस सालिहीन। वमा, इनके अमाल कबूल होंगे दूसरे मसलक वालों के। वमा यफअलू मिन खैरिन फलन युकफरू वल्लाहु अलीमुन बिल मुत्तकीन। कुरान वाहिद किताब है जो फिरका वारियत की जड़ काट सकती है, काटी हुई है, लेकिन उम्मत अकल की अंधी हो गई है और अपनी उल्टी सीधी बातों पर ज्यादा बनाई हुई चलते हैं, और उन चीजों को चाहे रिवायात की शक्ल में हो अल्लाह की किताब पर नहीं परखते, अल्लाह की किताब पर नहीं परखते। जब तक खुदा की किताब को सबसे ऊपर वाला मकाम नहीं मिलेगा, तब तक ये एक दूसरे की छितरौल का सिलसिला जारी रहेगा। गैर मुस्लिमों से, दीन दुश्मनों से भी जूते खाना, और उसके बाद जब गुस्सा चढ़े तो उनको तो मार नहीं सकते, वो ताकतवर हैं, एक दूसरे को मारना। ये आप दाइश को देखें, ये भी क्या करते हैं, ये अपने ही इलाकों में अपने मुसलमानों को, जो इनकी नजर में गैर मुस्लिम है, वो तो अपने आप को मुसलमान ही कहता है, उसको मारेंगे, उसको धमाका कर देंगे, उस पर जुल्म करेंगे। वो जो असली जालिम है, उधर इनका दिल नहीं करता जाने का, चूंकि आगे से जूते मारते हैं। दाइश ने सीरिया में तबाही मचा दी जनाब, इराक में तबाही मचा दी,
पड़ोस में इसराइल बैठा था, उधर चूं भी नहीं की, उधर इनकी तत्ती वाह भी नहीं गई उस साइड पर, इसराइल की साइड पर। बड़ी सियाणी दाइश थी, बड़ी सियाणी इस्लाम की खिदमत करने वाली थी। तो ये आपस में जो लड़ाई है, इसने इस्लाम का नुकसान किया भी है और इस्लाम का नुकसान कर रही भी है, लेकिन बहुत सारे लोग उनका माल, उनके पास माल है ही वो जिससे नफरत फैले, तो उनको वो ही बेचना है। और पब्लिक भी समझती है कि इस माल से जन्नत ज्यादा मिलती है जिससे दूसरों की तजलील हो और दूसरों को जहन्नमी साबित किया जाए, और इस बात से बेखबर है कि इंसान और इस दीन का जो नबी था, वो सारी इंसानियत का मुंजी बन कर आया था, वो सारी इंसानियत के लिए रहमत बन कर आया था, वो जहन्नम में ठोंस कर लोगों को खुश होने के लिए हरगिज़ नहीं आया था, और ना उसने ऐसी तालीमात दी कि दूसरों को जहन्नम में पहुंचा कर और तुम खुश हो कि तुम जन्नत के अकेले मालिक बन गए हो। परवरदिगार आलम, कुरान मजीद की जो महजूरियत है इस मुआशरे में, खवास में भी और आवाम में भी, परवरदिगार आलम इस महजूरियत से कुरान मजीद को क्या कहूँ, क्या दुआ करूँ, खुदा आज़ाद फरमाए। तो खुदा तो तभी करेगा ना जब नीचे वाले कुछ करेंगे, ठीक है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। इन्नल्लाहा ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। जब तक अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत को नहीं तगयीर देता जब तक वो खुद ये इरादा न करे, वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, और तू कभी भी अल्लाह के सुन्नत में तब्दीली नहीं पाएगा। कि हम तो कुछ करना ना चाहें, हम तो कहें जी ऐसी तो कुछ नहीं कर सकते, जो करना है अल्लाह आप ही करें, ठीक है ना। तो ये भी बनी इसराइल का मिजाज है कि ए मूसा, आप और आपका रब जाके लड़ो, हम यहाँ पे बैठे हैं। और बाद में जब फतह हो गई, तो फिर जब आपने फतह का जश्न मनाया और उसमें बकरे ज़बह किए, तो वो खाने के लिए हम हाजिर हैं, वो काम में बहुत अच्छा आता है, लेकिन दीन के लिए जहमत हम करने को तैयार नहीं है। दुनिया का इतना ज़्यादा काम है कि दीन के लिए हम टाइम नहीं निकाल सकते। परवरदिगार आलम इबरत लेने की हम सबको तौफीक अता फरमाए, और अपनी इस्लाह करने की कुरान मजीद और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के बताए हुए हकीकी रास्ते की मारिफत अल्लाह हम सबको अता फरमाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।